दर्शनाथ भगवान की जय हो। इसके लिए मन हाँ बेकरार
सब घड़ी आ गई आ गई, अब हम कणों में सामने आ जाइए। ओम शांति। शांतिनाथ भगवान के जो दाता रहे वो शांति भगवान की प्रतिमा ले ले और नाना जी के परिवार पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा लेके मेज के ऊपर आ गया और पालकी को वही बाजू में रख दिया। शांति के साथ रोहन देखिए प्रतिमा अमल भैया प्रतिमा को हाथ लगा दीजिए। शांतिनाथ भगवान तेरी प्रतिमा हो हाय हाय तेरी प्रतिमा हो बाजू में कर दो मेरे मन को भाए तेरी प्रतिमा हाय हाय तेरी प्रतिमा हो ऊपर से मुख्य पांच इंद्रिय आएंगे पंडित जी की बात जो मेरे मन को भाए तेरी प्रतिमा हाय हाय तेरी प्रतिमा हो प्रभु की प्रतिमा हाय हाय प्रभु की प्रतिमा रे चलिए अष्टकुमारी का एक काम करो कलश में जल है वहां से सीढ़ी से चढ़ के आ जाएंगे और जल छिड़कती जाएंगे पंडित जी यहाँ से मंत्र बोलेंगे और सब शुद्धि होगी यहाँ ठीक है ना वहां से स्टार्ट हो जाएंगे। चलिए सभी अपने स्थान पे बैठ जाएं अष्ट कुमारी का मंडप की शुद्धि करेंगे और उसके बाद में अपन से अग्नि को लेना वेदी का शुद्धि करो भी ओम जी यम कलशी ने वेदी का शुद्धि करो भी मंडप शुद्धि करो भी ओम जी वरुण कलशी ने वेदी शुद्धि करो भी ओम जी पवन कलशी ने मंडप शुद्धि करो भी ओम जी कुबेर कलशी ने वेदी का शुद्धि करो भी ओम ईशान कलशी ने वेदी का शुद्धि करो भी ओम री गरुड़ मणि कलशी ने वेदी का शुद्धि करो भी ओम ने अष्टावक्र कलशी ने वेदी का शुद्धि करो भी ओम जी महाद्रत कलशी ने वेदी का शुद्धि करो भी ओम रेम से आनंद कलशी ने वेदी का शुद्धि करो भी ओम रिंदन कलशी ने वेदी का शुद्धि करो भी ओम जी विजय कलशी ने वेदी की शुद्धि करो भी ओम अजीत कलशी ने वेदी का शुद्धि करो भी ओम रेम अपराजित मंजी ने वेदी का शुद्धि करो भी ओम रेम शांत कलशी ने वेदी का शुद्धि करो भी ओम स्थान कलशी ने वेदी का शुद्धि करो भी ओम जी पद कलशी ने वेदी का शुद्धि करो भी पूरे मंडप पे घूम जाओ ओम जी बुद्ध कलशी ने वेदी का शुद्धि करो भी ओम जी मलिक कलशी ने वेदी का शुद्धि करो भी ओम जी चंपक कलशी ने वेदी का शुद्धि करो भी ओम जी कुंद कलशी ने वेदी का शुद्धि करो भी ओम जी जयंत कलशी ने वेदी का शुद्धि करो भी ओम वेजित कलशी ने वेदी का शुद्धि करो भी ओम चंद्र कलशी ने वेदी का शुद्धि करो भी अंदाम कलशी ने वेदी का शुद्धि करो भी ओम री सूर्य दर्शन वेदी का शुद्धि करो भी ओम जी मंदार कलशी ने वेदी का शुद्धि करो भी ओम जी आचार्य कलशी ने वेदी का शुद्धि करो भी ओम जी विद्युत मालिक कलशी ने वेदी का शुद्धि करो भी ओम जी चंडामणि कलशी ने वेदी का शुद्धि करो भी ओम जी कुलिका कलशी ने वेदी का शुद्धि करो भी ओम जी दक्षिण वर्तनायक कलशी ने शुद्धि करो भी ओम जी गोगन कलशी ने वेदी का शुद्धि करो भी ओम जी राजहंस कलशी ने वेदी का शुद्धि करो भी ओम जी हिरक कलशी ने वेदी का शुद्धि करो भी ओम जी कलशी ने वेदी का शुद्धि करो भी ओम जी ओम जी मार्वल कलशी ने वेदी का शुद्धि करो भी ओम जी शंकर वेदी का शुद्धि करो भी
ओम जी पिंगल गजे नृत्य का शुद्धि ओम जैसे गजे नृत्य शुद्धि में ओम जी ज्ञान गजे नृत्य की शुद्धि में ओम जी चारी गजे नृत्य की शुद्धि में ओम जी सर्वाधिक गजे नृत्य का शुद्धि करो में स्वाहा श्री धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्व धर्माणाम जैनम जय तुशासनम जैनम जय तुशासनम दिव्य पुष्पांजलि श्वेत अर्हन्तो भगवन्त इन्द्र महिता धातुसीतेश्वरा आचार्य सागर भी समंज समण बहाने बेड़े भक्तगण सभी नौ बार नमो कर मंत्र का जाप कर ले नमो रते भगवते श्रीमते पद्म महापद्मी गज केसरी पुंडरीक महापुंडरीक गंगा सिंधु हरे हरिकांता सीता सीतोदा नारी नरकांता सुरकुल्या रक्तो रक्तोदा शुद्धम शुद्धम सर्ग प्रक्षालितम नवरगंधक्ष पुष्पादि मोदगम पवित्रम करुम करुम जम 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 बम 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 हम हम सम सम तम तम क्षम क्षम लम लम पम पम द्राम द्रीम हम सम स्वाहा इति पवित्र जल करोमी स्वाहा। टेबल के सभी कलश में जल है वहां पे एक कलश भर लो बड़ा वाला सबके है ना सबके टेबल में दो दो बूंद पानी डाल दो दो पीछे हम सबके टेबल में जितने कलश भरे हुए चंद्रापुर भगवान की आएंगे सामने सभी इंद्र इंद्रानिया गेट पे पहुंचेंगे और वहां से बीच में जगह बनाएंगे भगवान को वहां से उठा के लेके आएंगे बड़ी प्रतिमा है और गोंदिया वाले कार्यकर्ता यहाँ हो तो शीघ्र पहुंचे जल करो मियम स्वाहा फिर से हाथ में जल ले अपने मस्तक पे डाले
ओम रेम अमृते अमृत भवे अमृत वर्षे अमृतम श्राम व्यवस्था कितने प्रतीन्द्र पता है ये भक्तों मेरे भगवान प्रभु।
देवेंद्र बाजू आ जाए, हमारे सनत भैया अजीब भैया भगवान की दृष्टि मिलाने सेंटर में। एक मिनट, पहले भगवान मंदिर में आए, मात्र दो लाइने में पूरा जैन धर्म हमारा छिपे हुआ है। बहुत ज्यादा ग्रंथ पढ़े नहीं जाते, वो हमारे आचार्य भगवान अगर उतार लोगे तो तुम्हारे जीवन की दिशा बदल जाएगी। इधर सबसे मेरा निवेदन है, सिर्फ दो लाइने अच्छे से सुने, उसके बाद अपना मुंह बंद कर ले। जो मंदिर में आके घर की चर्चा करते हैं, फालतू की बातें करते हैं, जो मंदिर में आके घर की चर्चा करते हैं, फालतू की बातें करते हुए मंदिर को घर बना देते हैं, जो मंदिर में आके घर की चर्चा करते हुए मंदिर को घर बना देते हैं। लेकिन बंधुओं, जो घर पे जाके मंदिर की चर्चा करते हैं, घर उनका एक दिन मंदिर बन जाता है, घर उनका एक दिन मंदिर बन जाता है, घर उनका एक दिन मंदिर बन जाता है। हम सब इस मंदिर में आए हैं, अब ये कोई खुला प्रांगण नहीं है। चंद्रप्रभु भगवान का शांत भगवान और पार्षद भगवान का साक्षात समोचन लगा है ये। यहाँ मात्र जो भी बात होगी वो सिर्फ भगवान के गुणानुवाद की बात होगी, इसके अलावा कोई बात नहीं करे। सबसे मेरा निवेदन है, शास्त्रों में स्पष्ट लिखा है कि मंदिर में आके आने के बाद में कोई बाहर की बातें करता है तो अगले भव में उसको जीवन नहीं मिलती है, जीवन नहीं मिलती है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, माँ जिनवाणी कहती है कि जो मंदिर में आके इधर उधर की बातें करते हैं उनको अगले भव में जीवन नहीं मिलती है। जो पैर पसार के बैठते हैं उनको अगले भव में पैर नहीं मिलते हैं। जो भगवान की दृष्टि नजर से दृष्टि हटा देते हैं वो दृष्टिहीन हो जाते हैं, जो जीवानी नहीं सुनते वो कानों से बहरे हो जाते हैं। ऐसे 84 दोष लगते हैं हमारे मंदिर में आने के बाद में। इतने मेरा सबसे निवेदन है, खाने की पीने की वस्तु जूते चप्पल यहाँ लेके नहीं आएंगे, मंडप के बाहर ही छोड़े। जिनके छोटे बच्चे अगर बच्चों को प्यास लगती है बोतल साथ में लेके नहीं आएंगे, बाहर जाके ही पानी पिलाएंगे। कुरकुरे चिप्स लेके नहीं आएंगे, मेरी बातें, दो दिन के लिए कड़वी लगे तो साथ में लेके जाना और दो दिन के बाद तो मैं चले जाऊंगा। इधर सबसे मेरा निवेदन, सबके छोटे बच्चे हमको समझता हूँ, खिलाना पड़ता पिलाना पड़ता, लेकिन मंडप के बाहर या अंदर किसी प्रकार का कोई भी द्रव्य अशुद्ध नहीं आए, जूते चप्पल नहीं आए। इस मंगल पवित्र भावना से अब हम 10 दिशाओं का दिग्बंधन कर रहे हैं। दिग्बंधन इसलिए करते हैं कि 10 दिशाओं से देवतागण मंदिर में भगवान की भक्ति और आराधना करने के लिए आते हैं, और भक्ति आराधना करने में अगर विघ्न आता है तो उपद्रव होते हैं, अतिशय समाप्त हो जाते हैं मंदिरों के। इतने आप सबसे निवेदन है, सौ धर्मेंद्र सामने आ जाए, सभी इंद्र आप लोग खड़े जाओ, पूर्व दिशा में मुख कर लो, पूर्व दिशा में नमो हरिहंतानं राम, पूर्व दिशा समागतान विघ्नाय निवारे मात्र हूं फट। सभी को स्वाहा बोलना ही है, अग्नि कोण में ओम ह्रीम नमो सिद्धां ह्रीम, अग्नि दिशा समागतान विघ्नाय निवारे निवारे मात्र रक्षे हूं फट। दक्षिण में ओम हुम नमो आयना हुम, दक्षिण दिशा समागतान विघ्नाय निवारे निवारे मात्र रक्षे हूं फट। निरत कोण में ओम रोम नमो विज्ञान रोम, निरत दिशा समागतान विघ्नाय निवारे निवारे मात्र रक्षे हूं फट। पश्चिम में मुख कर ले ओम हम नमो लोहे सुन हम, पश्चिम दिशा समागतान विघ्नाय निवारे निवारे मात्र रक्षे हूं फट। वाम दिशा में ओम राम नमो हरिहंता राम, वाम दिशा समागतान विघ्नाय निवारे हूं फट। उत्तर दिशा में सामने ओम ब्रीम नमो हरिहंता नमो सिद्धां ब्रीम, उत्तर दिशा समागतान विघ्नाय निवारे निवारे मात्र रक्षे हूं फट। ऐशान कोण में ओम हुम नमो आयर्याम हुम, ऐशान दिशाएं समागतान विघ्नाय निवारे मात्र रक्षे हूं फट। नीचे जमीन पर अजो दिशा में और मंडल के नीचे, उस मंडल के नीचे छोड़ दे, यहाँ छोड़ दे यहाँ ओम राम नमो विज्ञान ओम, अजो दिशा समागतान विघ्नाय निवारे मात्र रक्षे हूं फट। ऊपर आसमान में ओम हम नमो लोहे समस्तान हम, ऊर्ध्व दिशा समागतान विघ्नाय निवारे निवारे रक्षे हूं फट। अब जैसे खड़े वैसे पूरा ऐसा घूमते हुए सभी दिशाओं पीले जाओ छोड़ेंगे। ओम राम रीम रोम रोम र सर दिशा समागतान विघ्नाय निवारे निवारे रक्षे हूं फट। मंडल के पास में पहुंचे और सभी मंडल पे थोड़े थोड़े पीले चावल 7 बार ओम नमो अरते सर्वशुभ भट, ओम नमो अरते सर्वशुभ सर्वशुभ भट, ओम नमो अरते
सरोवर अपनी मुट्ठी में बंद करें, पीछे सबको अपने पाल। आज से कौन बनोगे? सभी सौ धर्मेंद्र, कुबेर, यज्ञ नायक, संत कुमार, महेंद्र, प्रतिनिंद्र, ये बन जाओगे तो क्या करोगे? होटलों में खाओगे, बाहर खाओगे? तीन दिन तक ब्रह्मचर्य का अखंड पालन करना है, एक समय भोजन करना है, एक समय अनाज का त्याग रहेगा, शाम को दूध फ्रूट दवाई की छूट दे रहे हैं, रात्रि में समय निर्धारित कर लें, इतने बजे तक पानी पीऊंगा और सोने के बाद जब तक उठूंगा जब तक पानी भी नहीं पीऊंगा, सोने से उठने तक। समझा, रात को प्यास नहीं, उठ गए तो पी सकते लेकिन ऐसे नहीं पीना है। ये सब संकल्प तुमको कितने दिन, 9, 10 और 11 तक, और आपके जीवन में 11 अगस्त आगे से तो हरदम याद रहे। इसलिए एक ऐसा नियम के राजन गांव में जिन मंदिर बनाकर भगवान को विराजमान किया था उस नियम के साथ तो याद रहना चाहिए। ऐसा एक नियम अपने अपने मर्जी से, कोई भी नियम पति पत्नी ले सकते हैं, साथ में मिलकर सोच के लिखते हैं, अष्टमी चौदस का ब्रह्मचर्य का पालन कर सकते हैं, अष्टमी चौदस को हम अभिषेक कर लेंगे, पूजन कर लेंगे, जो मन में आए वैसा, या जो रात में खाते हैं तो नियम से जीवन भर में अष्टमी चौदस रात को भोजन नहीं करूंगा। जैसी भी आपकी शक्ति हो, मैं ये नहीं बोला जो चाय पीते होंगे 2, 4, 5 बार, बहुत से गुटके खाते, तंबाकू खाते, घूमते रहते बाजार में, वो अपना गुटका छोड़ सकते हैं। ये समय है, जैन धर्म नोटे वालों का नहीं है, त्याग और तपस्या वालों का धर्म है। ये किसका धर्म है? त्याग और तपस्या वालों का धर्म है। ये यहाँ खाने पीने वालों की कोई कीमत नहीं होती, जो नहीं खाते उनको पैर पड़ते हैं, हम जो खाते हैं उनको बाहर कर देते हैं। इतने अपने अपने सुरक्षा कवच करें, अपने अपने नियम ले, और मन में ले फेरने चावल ले ले, पीले चावल पीले सबसे ले ले। ओ अपने मस्तक को छोड़े, ओम ओम शुम फट किरण किरण घात घात पर बिना विस्फोट विस्फोट है सरगंदान कर गुरु परमदान जी जी परमदान भीमिन शाम छावा वा हूं फट। फिर एक बार ओम ओम शुम फट किरण किरण घात घात पर बिना विस्फोट विस्फोट है सरगंदान कर गुरु परमदान जी जी परमदान भीमिन शाम छावा वा हूं फट। फिर एक बार ओम हम सुभट के निकल घात घात पर बिना विस्फोट विस्फोट है सरगंदान गुरु प्रणाम जी प्रणाम भीमिन शाम छावा हूं फट। अब अपने अपने कलश में से जल ले ले, और भगवान इस मंडल के चार को वहीं खड़े खड़े जल का छींटा मारे, शुद्धि करे। ओम नमो अरते भगवते प्रसन्न दोष जीव प्रति नमस्ते शांति नाथ ध्यान दे रहा है सर्व विघ्न विनाश है सर्व रोग उपमर्त विनाश है सर्व प्रदेश छोटे विनाश है सर्व शांत हमें विनाश है सर्व अरिष्ट शांति कर। ओम राम रेम रोम रोम र अस्या उसा नम सर्व शांति गुरु गुरु तुष्टि पुष्य गुरु गुरु स्वाहा। अब आपके पास में पूजा सामग्री है, उसको आपने नहीं धोया है, हमारे लोगों ने धोया है, तो इसलिए पहले उसको शोधन भीजन करना है कि किसी प्रकार को गड़बड़ कोई जीव जंतु तो नहीं है। देख ले अब उनकी ड्यूटी खत्म, और अगर इसके अंदर किसी प्रकार की कुछ गलती है और पाप का बंद होगा तो आपको बंद होगा। नमो रत्ते श्रीमते पवित्र जल ने पात्र शुद्धि करो भी स्वाहा। सौ धर्मेंद्र आगे आ जाए सचिंद्र के साथ में, और बाकी सभी इंद्र अपने अपने हाथ में आ गए। हे शांतिनाथ भगवान, हे पारसनाथ भगवान, हम सब रंजन गांव निवासी आए हुए अतिथिगण, प्रतिष्ठाचार्य, सब प्रतिष्ठाचार्य, पंडित, कर्मचारी, संगीतकार, माइक वाले, फोटो वाले, आपके चरणों में निवेदन करते हैं। हे भगवान, आज से हम 2.5 दिवसीय वेदी शुद्धि, भूमि शुद्धि, वास्तु शुद्धि करने के लिए आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। इस 2.5 दिन में हम सब नियम संयम से जिएंगे, जाने अनजाने में मन वचन काय से कृतकारित अनुमोदना से जो भी दोष लगे वे सब मिथ्या हो। इस क्षेत्र के जितने भी देवी देवता हो उन सभी को प्रतिष्ठा महोत्सव